प्रीतम बंधु भगिनियों को मेरा सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। हम महाकरुणिक प्रोडक्शन टीम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक अभिनव प्रोजेक्ट जिसका नाम है द जर्नी ऑफ बुद्ध विहारास। दुनिया के सभी लोगों को हम सोलापुर जिले के सभी बुद्ध विहारों की जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से दे रहे हैं, यही इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से हम धम्म का प्रचार और प्रसार करना तथा विश्वरत्न महामानव बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, इन्होंने जो सपना देखा था सारा भारत बौद्ध में करूँगा, इस सपने को पूरा करने का प्रयास करना, ये हमारी भूमिका रहेगी। इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ है मेरे को डायरेक्टर एडवोकेट रवि गजधाने, प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक जी मस्के, अमोल जी वाघमारे और हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के सभी साथी सहयोगी। आज रविवार 5 मार्च 2023 आज के दिन हम इस उपक्रम का पहला भाग शूट कर रहे हैं। आज हम इस पहले भाग के लिए रत्नत्रय बुद्ध विहार में आए हैं, तो आइए चलते हैं हम रत्नत्रय बुद्ध विहार में। यह है रत्नत्रय बुद्ध विहार जिसकी स्थापना 25 दिसंबर 2021 में हुई है। पृथ्वी के 17.64 अक्षांश और 75.92 रेखांश पर स्थित है। इसका पोस्टल एड्रेस है डॉक्टर अंबेडकर सहकारी गृह निर्माण संस्था, सिविल लाइन सोलापुर 413003। इस समूचे बुद्ध विहार के परिसर का क्षेत्रफल लगभग 4550 स्क्वायर फीट है। इसकी लंबाई 70 फीट और चौड़ाई 65 फीट है। इस पूरे एरिया को लोहे की तारों का कंपाउंड बना के सुरक्षित किया गया है। पश्चिम की दिशा में है जो कि लोहे से बना हुआ है। इसका साइज 8 फीट गुना 5 फीट है। इस प्रवेश द्वार से अंदर आने पर बाएं बाजू को हरे भरे पत्तों से लहराता बोधि वृक्ष स्वागत करता है। इस पेड़ की शीतल छाया में बैठने के लिए चबूतरा बनाया गया है। प्रवेश द्वार के दाहिनी बाजू में उपासकों के बैठने के लिए काले फर्श से, जिसे स्थानीय भाषा में कड़प्पा कहा जाता है, आसन व्यवस्था की गई है। बाकी सभी एरिया में हरी घास लॉन लगाया है। इस लॉन के बीचों बीच फर्श के टुकड़ों से मुख्य विहार की ओर जाने के लिए मार्ग बनाया है। भारत के संविधान की उद्देशिका लगाई हुई है और बाजू में धम्म ध्वज लहरा रहा है। यह है विहार की मुख्य इमारत जिसका क्षेत्रफल है 1000 स्क्वायर फीट। इसकी लंबाई 40 फीट है, चौड़ाई 25 फीट और ऊंचाई 12 फीट है। इस पूरे विहार का निर्माण पक्का सीमेंट कंक्रीट से किया गया है। इस विहार को बाहर से पीला रंग दिया हुआ है। रत्नत्रय बुद्ध विहार का प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार 7 फुट ऊंचा और 3.5 फुट चौड़ा है। इसका दरवाजा है वो कांच का बना हुआ है जो कि लकड़ी की फ्रेम में बसाया हुआ है। हम देख सकते हैं पीले रंग की पार्श्वभूमि पर मरून रंग के डिज़ाइन या मरून रंग की पार्श्वभूमि पर पीले रंग के डिज़ाइन। सभी दीवारों पर बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई हैं। ये खिड़कियां जो है पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दीवारों पर बनाई गई है। ये खिड़कियों से सभी बाजुओं से हवा आती है। खिड़कियों को लोहे के गज लगे हुए हैं। विश्वरत्न महामानव बोधिसत्व डॉ
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बड़ा सा तस्वीर लगाया हुआ है, विश्वरत्न महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बौद्ध धर्म की राह दिखाई है। इसके साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी अर्थात सभी बहुजनों की माता माता रमाई, इनकी भी तस्वीर लगी हुई है। विहार में दो कबर और बैठने के लिए मैट और 24 कुशंस हैं। पूजा स्थान काले चमकीले फर्श टाइल्स से बना हुआ है। पूजा स्थान का बेस 12x8 फीट है, उसकी ऊंचाई 10 इंच है। भगवान बुद्ध की मूर्ति का बेस 4.5x4 फीट का है, इसकी ऊंचाई 2.5 फीट है। इस विहार का प्रमुख आकर्षण तथागत बुद्ध की मूर्ति है, जो मेटल की बनी हुई है और सुनहरे रंग की है। मूर्ति का मुखमंडल उत्तर की दिशा में है। मूर्ति की ऊंचाई 3.7 और चौड़ाई 2.6 फीट है। मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में पद्मासन अवस्था में कमल पर स्थित है। बुद्ध की मूर्ति की आंखें अर्धोन्मिलित है और हाथों की अभय मुद्रा है। भगवाबुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो संघं नमामि नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं विधम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं विसंघं शरणं गच्छामि तृतीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि समादियामि स्वाति सावंत। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबेडकर गृह निर्माण सोसाइटी के चेयरमैन वसंत कांबड़े सर। जय भीम सर। सर, हमें इस बुद्ध विहार के स्थापना के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सप्रेम जय भीम, मैं वसंत कांबड़े, डॉक्टर अंबेडकर सहकारी गृह निर्माण संस्थेचे चेयरमैन। आज आमच्या सोसायटीमधील रत्नत्रय बुद्धविहारामध्ये महाकरुणी प्रोडक्शन टीम डॉक्टर औदुंबर मस्के, ॲडव्होकेट रवी गजदाने, डॉक्टर बनसोडे सर, डॉक्टर सावंत मॅम या इथे आलेले आहेत।
आमच्या बुद्धविहाराची त्यांना माहिती हवी आहे, कसं माहिती हवी आहे, त्या निमित्ताने त्यांनी जो प्रोग्राम लॉन्च केलेला आहे त्याचा हा एक भाग आहे. या विहाराची स्थापना 25 डिसेंबर 2021 रोजी झालेली आहे. पुण्याहून राजरत्न भंते राजरत्न यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या हस्ते त्या विहाराचं उद्घाटन किंवा उद्घाटन समारोह झालेला आहे. हे विहार करण्यासाठी इथल्या सर्व सभासदांनी, या सोसायटीमध्ये जवळ 32 सभासद आहोत, सर्व 32 सभासदांच्या आर्थिक धम्मदानामधून या विहाराची संकल्पना आणि निर्मिती झालेली आहे. सर्वांनी या शुभकार्याला आपला आर्थिक मानसिक श्रमदान हे सर्व प्रकारचं सहकार्य केलेलं आहे. इथल्या लोक सभासदांच्या एक आयडिया मनात आली की हा परिसर स्वच्छ करून व्यवस्थित करून या सभागृहाचं आपण विहारामध्ये रूपांतर करू आणि त्या अनुषंगाने या सभागृहाचं आम्ही बौद्ध विहारामध्ये रूपांतर करून इथे भगवान गौतम बुद्धांची मूर्ती धातूची जवळजवळ 1 लाख रुपये त्याची किंमत आहे अशी मूर्ती आम्ही इथं भंतेंच्या हस्ते प्रतिष्ठापना केली आणि 1 वर्ष झालेलं आहे आणि त्या ह्याच्याने इथे छोटे मोठे कार्यक्रम केले जातात. भारतीय बौद्ध महासभा आणि त्रैलोक्य बौद्ध संघ यांच्या माध्यमातून वर्षावास, विपश्यना, ध्यानधारणा अशी छोटी मोठी कार्यक्रम इथे सध्या होत आहेत. सर्वांचं सहकार्य या मला लाभलेलं आहे. धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है. अब हमारे साथ है यहाँ के रहिवासी प्राध्यापक डॉक्टर डीआर गायकवाड़ सर. जय भीम सर. जय भीम मैम. सर, हमें इस विहार के बारे में थोड़ी जानकारी और यहाँ पे कौन कौन से साल भर में कौन कौन से कार्यक्रम आप करते रहते हो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए. मैं प्राध्यापक डॉक्टर डीआर गायकवाड़, दयानंद कला आणि शास्त्र महाविद्यालयामध्ये मराठी विषयाचा प्रोफेसर आणि HOD म्हणून काम करतो गेली 31 वर्ष. या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गृहनिर्माण हाऊसिंग सोसायटीमध्ये जे रत्नत्रय बुद्धविहार आहे या बुद्धविहाराची माहिती घेण्यासाठी सन्माननीय धम्मप्रचारक औदुंबर मस्केसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली डीन डॉक्टर दीपक बनसोडे, सौ बनसोडे डॉक्टर स्वाती सावंत आणि रवी गजदाने आणि त्यांची टीम या ठिकाणी आलेला आहे. या सर्वांचं या विहाराच्या वतीनं इथल्या सोसायटीच्या सर्व सभासदांच्या वतीनं सर्वप्रथम मी अंतःकरणपूर्वक स्वागत करतो. या ठिकाणी स्वाती सावंत मॅडमनं वर्षभर या विहारामध्ये कोणकोणत्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जातं त्याच्या संदर्भानं थोडक्यात माहिती देण्यासाठी मला सांगितलेलं आहे. वास्तविक मॅडम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचार प्रेरणेनं या ठिकाणी सर्व बांधव सातत्यानं वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपक्रमाचं कार्यक्रम आम्ही आयोजन करतो आणि लोकही मोठ्या संख्येने इथं उपस्थित राहतात. वर्षभर आम्ही अनेक कार्यक्रम करतो. हे जे विहार आहे हे विहार हे ज्ञानाचं आणि संस्काराचं केंद्र बनलं पाहिजे यासाठी आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करतो. दर रविवारी या ठिकाणी आमचे बांधव एकत्रित येतात आणि एकत्रित येऊन बुद्धवंदनासारखा कार्यक्रम होतो. या ठिकाणी मगाशी आमचे चेअरमन वसंत कांबळे साहेब म्हणाले त्या पद्धतीनं ध्यानधारणा आणि अनेक कार्यक्रम घेतले जातात. लहान मुलांना त्याच्या माध्यमातून संस्कार केले जातात आणि डॉक्टर आंबेडकरांच्या विचाराचा हा एक जो गाडा आहे तो पुढे घेऊन जाण्यासाठी आमचे इथले सर्व बांधव सातत्यानं प्रयत्न करतात. मॅडम आपल्याला मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे डॉक्टर आंबेडकरांच्या विचाराचा प्रचार प्रसार करणं या माध्यमातून ही प्रामुख्याने आमची भूमिका आहे आणि त्यामुळे आम्ही सतत वर्षभर वेगवेगळ्या व्याख्यानाचं आयोजन या ठिकाणी केलं जातं. यापूर्वी या ठिकाणी डॉक्टर संघप्रकाश दुड्डे यांचं व्याख्यान झालं, मधल्या काळामध्ये प्राचार्य डॉक्टर मीना गायकवाड यांचं व्याख्यान झालं, दरम्यानच्या कालखंडामध्ये इथं सोलापुरामध्ये असणाऱ्या ॲडिशनल DCP मॅडम दीपाली काळे यांच्या नेतृत्वाखाली सांगली आणि कोल्हापूर परिसरामधून एक धम्मयात्रा या ठिकाणी आलेली होती आणि त्यांनीसुद्धा खूप उत्तम पद्धतीने या ठिकाणी कार्यक्रम केला. त्यालाही आमच्या सोसायटीतले सर्व सभासद उपस्थित होते.
मैडम मी मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे डॉक्टर आंबेडकरांशी संबंधित वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन आम्ही या ठिकाणी करतो। 14 एप्रिलचा डॉक्टर आंबेडकर जयंतीचा कार्यक्रम असू दे, 6 डिसेंबर महापरिनिर्वाण दिन असू दे, या दोनही कार्यक्रमाचं आयोजन आम्ही या विहाराच्या माध्यमातून करतो आणि मोठ्या प्रमाणात सभासद इथं उपस्थित राहतात आणि हे ज्ञान आणि संस्कार केंद्र कसं होईल त्या पद्धतीने आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत असतो। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही मौलिक माहिती हमको दी है, जानकारी हमको दी है इस विहार के बारे में, जिसका हम सबको और बाकी ये प्रोग्राम जिन तक पहुंच रहा है उन सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ऐसा हमें लगता है। धन्यवाद सर। सर आपको हमें और थोड़ी जानकारी चाहिए थी कि आगे चल के आगे के कुछ सालों में और कोई नया प्रोग्राम करने की आपकी कोई मंशा होगी तो हमें प्लीज़ उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैडम, नवीन संचालक मंडळ या ठिकाणी एक महिन्यापूर्वीच अस्तित्वात आलेला आहे। मी मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे वसंत कांबळे हे चेअरमन आहेत, मिलिंद शिवशरण हे आमच्या सोसायटीचे सेक्रेटरी आहेत आणि प्राचार्य डॉक्टर मीना गायकवाड या कोषागार आहेत। बाकी सगळी मंडळी त्याच्यामध्ये अतिशय ॲक्टिवली पार्टिसिपेशन होतात सर। भविष्यामध्ये सोसायटीच्या वतीनं आणि विहाराच्या वतीनं नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचा आमचा संकल्प आहे। एक म्हणजे मी मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे हे ज्ञान आणि संस्कार केंद्र होण्यासाठी इथं एक स्वतंत्र आणखी व्यवस्था करून त्या माध्यमातून एक बौद्ध भिक्खू सतत या बौद्ध भिक्खूंचं वास्तव या ठिकाणी सतत लाभेल या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। मॅडम, आम्हाला आणखी खूप गोष्टी सोसायटीच्या विकासासाठी करायचं आहे। एक म्हणजे आता आमच्यापुढे रस्त्याचं काम आहे, तेही लवकरच आमच्या या ठिकाणी साहेब रस्ते होतील। या ठिकाणी हे काही पोल्स आहेत लाईट्सचे, ते पोल्स थोडंसं आणखी बाजूला घेऊन आणखी या सोसायटीचं सुशोभीकरण करताना काही नव्यानं वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आम्हाला राबवायचा आहे। या ठिकाणी मॅडम सातत्यानं मी मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे मुलांच्यासाठी वेगळे संस्कार केंद्र या ठिकाणी आम्हाला करण्याचा आमचा मनोदय आहे। एकूणच सोलापूर आणि परिसरातले लोकांच्यासाठी आमचं हे जे विहार आहे अधिक आदर्शवत बनवण्याचं काम आमच्या सोसायटीतले जे मेंबर्स आहेत, नवनियुक्त जे सेक्रेटरी आहेत, चेअरमन साहेब आहेत आणि नवनियुक्त जे संचालक मंडळ आहेत ते करत आहे आणि या सगळ्यांना आमच्या सोसायटीतले जे मगाशी साहेब म्हणाल्याप्रमाणे 32 हे जे आमचे बांधव आहेत सदस्य आहेत ती मोठ्या प्रमाणात तन मन धनानं मॅडम याच्यामध्ये सहकार्य करतात आणि म्हणूनच आम्ही वास्तू या ठिकाणी आम्ही उभा करू शकलो। ते अधिक सुशोभित करण्याचा आणि अधिकाधिक बुद्धाच्या विचाराचा, बाबासाहेबांच्या विचाराचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी आम्ही सर्वजण इथले सभासद बांधील आहोत। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है और बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार से आप सबने मिलके ये जो भी कार्यक्रम शुरू किया है उसके बारे में जान के हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद सर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस विहार के बारे में पहुंचा सके जानकारी, ऐसी हमारी मंशा है। थैंक यू सर। तो ये था रत्नत्रय बुद्ध विहारा। महाकरुणिक प्रोडक्शन की तरफ से द जर्नी ऑफ द बुद्ध विहारा इस उपक्रम का ये पहला विहार था। दोस्तों, हम अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में दूसरे बुद्ध विहार से मिलेंगे। तब तक के लिए आप महाकरुणिक प्रोडक्शन इस चैनल को MAHAKARUNIK प्रोडक्शन PRODUCTION इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको ये जो हमारे वीडियो है, हमारे प्रोग्राम के जो बुद्ध विहार की जानकारी है, जब भी हम YouTube पे डालेंगे तो इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो प्लीज़ आप शेयर करिए और हमको बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। कमेंट बॉक्स में जाके आपकी राय हमको दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।